आप लोगों का डिमांड से और आप सभी के लिए ये वीडियो में बना रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टेंजर पीबीटी 700 का एम्पलीफायर है, आप लोगों का डिमांड से और आप सबके लिए वीडियो में बना रहा हूँ। आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, आप लोग देखते रहिए, मेरे साथ रहिए। ये जो बेस है, मीट है, ट्रिबल है, अगर आप सेट करके रखेंगे तो इसको क्या करते हैं ना, पूरा फुल कर देते हैं। तब फुल कर देने से ये मशीन खराब हो जाता है, स्पीकर भी खराब हो जाता है। सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कमेंट किया था, इसका जो बेस है, मीट है, ट्रिबल है, इसको क्या थोड़ा कम कर सकते हैं, अंदर से एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसी के विषय में वीडियो है आप सभी के लिए, देखते रहिए, मेरे साथ रहिए। ये बेस है, मीट है, ट्रिबल है, जो पीबीटी 701 का एम्पलीफायर है, इसका जो बीटी बोर्ड है, बेस ट्रिबल बोर्ड है। बेस ज़्यादा कर देने से ज़्यादा नहीं होगा और मीट भी ज़्यादा कर देने से मीट ज़्यादा नहीं होगा। जो ये जो ट्रिबल है, ज़्यादा कर देने से ट्रिबल ज़्यादा नहीं होगा। और जो मेरे भाई है, जो मेरे मित्र है, ये मशीन किराए पर देते हैं तो वो सेट करके दे आते हैं, वो फुल कर देने से स्पीकर ख़राब हो जाता है, मशीन भी ख़राब हो जाता है। तो मैं पूरा पूरा शेयर करूँगा कौन सा वो स्पेयर है, चेंज कर देने से ये मशीन सेफ्टी में रहेगा। ये मशीन का ढक्कन में पहले खोल लेते हैं। ये स्विच को आप खोल लीजिएगा और ये पाइप रेंच से इसको भी आप खोल लीजिएगा। अब इसको मैंने खोल लिया फ्रंट पैनल को, फ्रेंड्स ये है बीटी बोर्ड। ये बीटी बोर्ड का बैक साइड है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है 10K, ये है 33K, ये है 10K, ये है 10K और ये है 1K, ठीक है। ये 1 को खोल के आप 820 PA बैठाए तो थोड़ा ट्रिबल कम हो जाएगा। और ये है मीट का, ये है 10K, यहाँ पर आप 4.7K बैठाएंगे तो मीट भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका मीट जितना भी ज़्यादा कर देंगे तो ज़्यादा नहीं होगा, एडजस्ट में रहेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यह है बेस कंट्रोल, यहाँ पर है 10K और यह है 33K और यहाँ पर है 10K। यहाँ पर जो PF है, जैसा PF है ऐसा ही रहने दीजिए, ये PF को मत खोलिए। लेकिन ये PF आप खोल के 4.7K बैठाइए, ये वाला PF खोल के आप 820 PF बैठाइए तो आपका ट्रिबल कम हो जाएगा। और ये जो रेड वाला है, ये है 33K, ये 33K जो PF है, इसका यहाँ पर इसका ऊपर में 47K PF एक्स्ट्रा बैठा दीजिए, ठीक है। ये PF जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, यहाँ पर एक 47K PF बैठा दीजिएगा तो आपका बेस कम हो जाएगा। मैं आपको PF बैठा के देखा दे रहा है, मेरे हाथ में ये 47K PF है, आप इसको ऐसे बैठा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हो सके तो आप काट के छोटा कर लीजिएगा, बेस का पॉट है और यहाँ पर जितना PF है ऐसा ही बैठा रहेगा बोर्ड में, सिर्फ अलग से एक 47K PF यहाँ पर बैठा दीजिएगा तो आपका थोड़ा बेस कम हो जाएगा, ठीक है। और जो मीट है, ट्रिबल है, आप उसको जो PF है उसको आप सब खोल लीजिएगा। फ्रेंड से PF को आप बैठा दीजिएगा इस तरह से, यहाँ पर सोल्डिंग कीजिए एक और यहाँ पर सोल्डिंग कीजिए तो आपका बेस कम हो जाएगा। अगर अच्छा ना लगे आप इसको खोल के बाहर कर दीजिए, जैसा है वैसा छोड़ दीजिए। आप आते हैं मीट का बारे में, यह है मीट कंट्रोलर, यहाँ पर 10K PF है, आप यहाँ पर इसको खोल के 4.7K PF बैठा दीजिएगा तो आपका मीट भी ज़्यादा नहीं होगा, वो एडजस्ट में रहेगा। जितना भी आप मशीन किराए पे देके चले आएंगे, ज़्यादा कर देने से आपका स्पीकर का या मशीन का कोई ख़राब होने का चांस नहीं होगा। अब जैसे मैं देखा रहा हूँ आप लोग ऐसा ही, मैं जहाँ पर PF बैठा रहा हूँ आप भी ठीक वही पोजीशन में PF बैठाएंगे। आप आते हैं जो ट्रिबल है, ट्रिबल का बारे में, यहाँ पर ट्रिबल का PF है 1K PF है, यहाँ पर आप थोड़ा कम करना है तो 820 PF बैठा दीजिए, अगर ज़्यादा कम करना है तो 470 PF बैठा दीजिए यहाँ पर,
ठीक है, ए टी बिल का। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर थोड़ा काम करना है तो 820 पे बैठा है उसको खोल के फेंक दीजिए, अगर ज़्यादा काम करना है तो आप 470 पे बैठाइए यहाँ पर। ठीक है, मैंने ट्रिबिल का पीएफ के बारे में बोल दिया, मीट का पीएफ के बारे में बोल दिया और बेस कम करने का पीएफ के बारे में बोल दिया। आप कीजिए, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, अगर नहीं लगे तो जैसा बोर्ड है आप बैठा दीजिए। मैंने तो देखा दिया जहाँ जहाँ पीएफ होना चाहिए यहाँ पर ही बैठाएंगे, मैंने जहाँ पर पीएफ बैठाया। ठीक है, नया पीएफ आप खरीद लीजिए, बैठा दीजिए, इसको पीएफ बोलते हैं। अब मशीन को पावर देंगे, जितना भी ज़्यादा बेस मीट ट्रिबिल कर देंगे ना तो एडजस्ट में रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपको कोई मशीन के बारे में जानकारी चाहिए, कोई ड्राइवर बोर्ड के बारे में, आप लोग कमेंट कीजिए, मैं वीडियो बना के आपको भेज दूँगा। ठीक है, अब इसको मैं बंद कर दूँगा, मशीन बंद कर दिया, काम हो गया। आप भी कोशिश कीजिए, काम बन जाएगा। अगर आपको अच्छा ना लगे तो पीएफ मत बैठाइए, पीएफ को खोल लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने दिखाया वैसे आप बैठा दीजिए तो बेस कम हो जाएगा और आपका मशीन का जो ख़राब होने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों का बहुत हेल्पफुल वीडियो था। जो मेरा भाई है, जो मित्र है, मशीन किराए पर देते हैं उनके लिए और जो रिपेयर करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप लोग शेयर कीजिए, लाइक दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब माय चैनल और बगल का बेल बटन प्रेस करके रखिए, जब भी आपके लिए वीडियो बना के भेजेंगे आपके पास पहला चला जाएगा। मैं आगे भी आपके लिए ऐसा मशीन के बारे में वीडियो बनाएंगे और आपके पास चला जाएगा। फिर मिलते हैं दूसरे कोई मशीन के बारे में।